सभी एसी सफेद ही क्यों होते हैं? आखिर वो कौन सी किताब है जिसे पढ़ते ही इंसान की मौत हो जाती है? और कहाँ है एक ऐसी नदी जिसका पानी खून की तरह लाल है? इसी के साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी सीढ़ियां बोलती हैं, और साथ ही एक ऐसे सैनिक के बारे में जो युद्ध के दौरान छुपा रहा पूरे 29 साल। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो दोस्तों हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसा मंदिर जिसकी सीढ़ियां बोलती है। हाँ दोस्तों, भारत की धरती कई ऐतिहासिक और अद्भुत कलाकृतियों से भरी पड़ी है जो आपको आश्चर्य में डालने के लिए काफी है। अब इस मंदिर को ही ले लीजिए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वरों की ध्वनि निकालता है, और इसकी अतिरिक्त 3 सीढ़ियां ओम की ध्वनि निकालती है। हम बात कर रहे हैं भारत के दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर की, जो कि करीब 800 साल पुराना है। इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने पर यह 7 स्वर की ध्वनियां निकलती है। वही हम्पी में स्थित विजया विठला मंदिर में करीब 56 ऐसे स्तंभ हैं, जो कि संगीत के किसी यंत्र की भांति आवाज करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज दुनिया जितनी आधुनिक है उससे कई ज्यादा आधुनिक और समृद्ध हमारे भारत की संस्कृति और कलाकृति थी, जो आज भी लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। फैक्ट नंबर 9, सबसे खतरनाक बुक। किताब के शौकीन लोगों के लिए आज का फैक्ट बड़े काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपका सीधा ऊपर की टिकट कटवा सकती है। हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ की। इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाले की या तो मौत हो जाती है या तो फिर वह व्यक्ति पागल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक यक्षिणी ने लिखा है। शुरुआत में ग्रंथ लिखने के समय तो यह ठीक ही था, लेकिन बाद में इसे श्राप दे दिया गया, जिसके अनुसार इस ग्रंथ को पढ़ने वाले व्यक्ति की मौत हो सकती है या उसका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। इस किताब को भारत में बैन कर दिया गया है। हालांकि इस बात का कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए यह तथ्य हकीकत ही या फसाना इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप इस ग्रंथ को श्रापित मानते हैं या लोगों में फैला भ्रम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, एक सैनिक जो युद्ध के दौरान छुपा रहा पूरे 29 साल। एक सैनिक अपने देश के लिए जो भी कुर्बानियां देता है उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हम आज आपको इतिहास के एक ऐसे सैनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने देश के लिए युद्ध खत्म होने के बाद भी अकेले ही 29 साल तक युद्ध लड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनेडा को लुभांग के छोटे से द्वीप पर अपनी सेना के साथ भेजा, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से अमेरिका सेना के मूवमेंट को रोकना था। उस द्वीप पर पहुंचकर हीरो ओनेडा अपने साथियों के साथ चारों ओर फैल गए। अमेरिकी सेना ने अपनी पूरी ताकत से जापानी सेना के ऊपर हमला किया और लुभांग पर कब्जा कर लिया। उसी दौरान हिरोशिमा नागासाकी ट्रेजेडी होने के कारण जापान ने भी अपने घुटने टेक दिए, और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का समापन हो गया। लेकिन हीरो ओनेडा इन सब बातों से अनजान थे, क्योंकि उस समय संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे और उनके जीवन के 29 साल लुभांग के जंगलों के बीच गुजर गए। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसा मंदिर जिसे सीधा नहीं उल्टा बनाया गया है। क्या आप जानते हैं भारत के उल्टे मंदिर के बारे में? साल 1890 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भारत के एक ऐसे अनोखे मंदिर की खोज की जिसकी कला देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह मंदिर सीधा नहीं बल्कि उल्टा बनाया गया है। यह मंदिर गुजरात के पाटन में स्थित है, जो कि एक बावड़ी है। इसे रानी की वाव कहा जाता है। यह एक 7 मंजिला इमारत है जो कि 7 मीटर गहरी है। इस बावड़ी के अंदर भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाई गई है, और अगर आप गौर से देखें तो इसमें उल्टी पंक्तियों को भी उकेरा गया है। इस बावड़ी की उत्कर्ष छवि भारतीय 100 रुपए के नोट के पीछे छापी गई है। हमारे भारत में इतनी खूबसूरत और आकर्षक इमारत है कि इनके सामने 7 अजूबे फीके पड़ जाए। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, ऐसा आइलैंड जहां खाने में मिलाई जाती है रेत। दोस्तों, खाना खाते समय अगर गलती से एक कंकड़ भी मुंह में आ जाए तो खाने का मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खाने में पूरी की पूरी रेती ही मिला दी जाती है। यह द्वीप ईरान में मौजूद है, जिसका नाम होर्मूज आइलैंड है। इस आइलैंड पर बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ मौजूद है जो रंग बिरंगी रेत से ढके हुए हैं, और यह दूर से देखने में काफी कलरफुल और सुंदर दिखाई देते हैं। इस द्वीप पर रहने वाले लोग अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ की मिट्टी और रेत का इस्तेमाल करते हैं। इवन यहाँ की सबसे फेमस डिश सुराग, जो कि मछली से बनाई जाती है, उसमें भी रेत का उपयोग होता है। दरअसल इस द्वीप पर मौजूद रेत और मिट्टी में आयरन, नमक और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि यहाँ के लोगों को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए ही इस द्वीप के लोग यहाँ की रेत और मिट्टी को अच्छे से साफ करके उसका इस्तेमाल खाने में करते हैं। फैक्ट नंबर 5, खून की तरह लाल है इस नदी का पानी। क्या हो
अगर आप किसी नदी में नहाने या वहाँ के बहते हुए पानी का आनंद लेने जाएं और वहाँ आपको पानी की जगह खून बहता हुआ दिखाई दे तो ये मंजर आपको दहशत में डालने के लिए काफी होगा। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के कस्को में स्थित नदी की, जिसमें लाल कलर का पानी बहता है। यही कारण है कि लोग इसे खून की नदी भी कहते हैं। दरअसल इस क्षेत्र में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के चलते यहाँ पानी का रंग लाल रंग का दिखाई देता है। इस नदी का बहाव मानसून में ज्यादा होता है, इसलिए ही दूर दूर से पर्यटक इस नदी को मानसून के सीजन में देखने आते हैं। हरे भरे वातावरण के बीच में से बहती हुई यह लाल नदी काफी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। तो आप यहाँ घूमने का प्लान कब बना रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 4, इस देश में सब कुछ फ्री है। इस देश की सुविधा सुनने के बाद आप यहाँ पैदा होने की दुआ मांगेंगे और कहेंगे अगले जन्म मोहे यही पैदा कीजो। हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की। इस देश में दुनिया के सबसे खुश मिजाज लोग रहते हैं और इस देश को 6 बार सबसे खुशहाल देश का खिताब भी मिल चुका है। इस देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री है। वहीं यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बस, ट्रेन और हवाई यात्रा भी बिल्कुल फ्री है। वैसे फिनलैंड इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ शिक्षा फ्री हो। जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत कई ऐसे देश हैं जहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है। वहीं बताया जाता है कि यूएई के नागरिकों को उनके स्कूल की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्चा दिया जाता है और रहने के लिए घर भी दिया जाता है। खैर कुछ भी हो, हमारे भारत की बात ही अलग है और हमें अपने देश से बहुत प्यार है। क्या आप भी अपने देश से प्यार करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आई लव माई इंडिया जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 3, 27 लोगों का देश। दुनिया के देशों की आबादी जहां दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, वही एक ऐसा देश भी है जहां सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। दोस्तों, यूं तो ऑफिशियली वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन हम आज आपको सिर्फ 27 लोगों के देश के बारे में बताने वाले हैं। इस देश का नाम है सीलैंड, जो कि एक समुद्र के बीच बने किले पर बसा हुआ है। यह देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। 9 अक्टूबर 2012 के दिन सीलैंड के राय बीड्स नामक एक आदमी ने स्वयं को यहाँ का प्रिंस घोषित कर दिया था और उसकी मौत के बाद उसका बेटा माइकल यहाँ का नया प्रिंस बना दिया गया। हालांकि सीलैंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद रॉय बिट्स ने सीलैंड को न केवल एक देश के रूप में घोषित किया बल्कि यहाँ का डाक टिकट, पासपोर्ट और करेंसी को भी जारी किया। इस देश का स्वयं का झंडा और राष्ट्रगान भी है। क्योंकि यह देश समुद्र के बीचों बीच एक किले के ऊपर बना हुआ है, इसलिए यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के नागरिक बेरोजगार हैं। जब लोगों को इस देश की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे काफी डोनेशन दिया। इस देश का फेसबुक पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड नामक एक ऑफिशियल पेज भी बना हुआ है। क्या आपको ये पता था? अगर नहीं तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल बॉपरी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, भारत की सबसे महंगी ट्रेन। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे महंगी ट्रेन के बारे में, जिसका किराया सुनने के बाद आपकी आंखें और जेब दोनों फट जाएंगी, क्योंकि इस ट्रेन का टिकट ही लाखों में है। यह ट्रेन भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे महंगी ट्रेन में से एक है। इस ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन में आपको किसी 5-स्टार होटल की तरह ही सेवाएं मिलेंगी। ट्रेन के हर एक कोच में 2 मास्टर बेडरूम और शॉवर वाले बाथरूम है। इसके अलावा लाइव टीवी और एयर कंडीशनर की सुविधा भी इस ट्रेन में है। यह ट्रेन अलग अलग रूट पर 7 दिनों के लिए यात्रा करवाती है। इस ट्रेन का टिकट 19 लाख रुपए है। यह ट्रेन देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा करवाती है। पैसे को पानी की तरह बहाने और मौज मस्ती के लिए उड़ाने वाले लोगों के लिए ही यह ट्रेन बनी है। हम जैसे आम आदमी तो लोकल ट्रेन में धक्के खाकर ही खुश हैं। फैक्ट नंबर 1, सभी एसी सफेद क्यों होते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सारे एयर कंडीशनर सफेद ही रंग के क्यों होते हैं? क्या एसी को सिर्फ व्हाइट कलर से पेंट करने के पीछे कोई कारण है, या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि हर एसी प्रोडक्शन कंपनी इन्हें व्हाइट कलर में ही मार्केट में उतारती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एयर कंडीशनर के 2 यूनिट होते हैं, आउटर यूनिट और इनर यूनिट। आउटर यूनिट को हमेशा घरों के बाहर ही लगाया जाता है। ऐसे में गर्मियों के समय जब तेज धूप होती है तो आउटर यूनिट का व्हाइट कलर बेहद कम क्वांटिटी में सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। इससे यूनिट के अंदर मौजूद इक्विपमेंट, फैन और कंप्रेसर सूरज की गर्मी के कारण खराब नहीं होते हैं। सो बेसिकली व्हाइट कलर आपके एसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वही इनर यूनिट को व्हाइट रंग में पेंट करने का कारण घर के इंटीरियर में एसी का मिसमैच न लगना है। दरअसल अलग अलग कस्टमर के घर का इंटीरियर अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। ऐसे में डिफरेंट टाइप्स के इंटीरियर के साथ मैच होने वाले एसी को डिजाइन और कलर करने में कंपनी का काफी पैसा लगेगा और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट का दाम भी बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में एसी सिस्टम प्रोवाइड करवाना चाहती है, इसलिए वे डिफरेंट डिजाइन और कलर्स के बजाय सिंपल व्हाइट कलर में ही एसी को पेंट करना पसंद करते हैं। क्योंकि व्हाइट एक ऐसा रंग है
जो किसी भी कलर या टेक्सचर के साथ मैच हो जाता है। फिर आपके घर का कलर, टेक्सचर या वॉलपेपर, चाहे जो भी हो, यह एसी बढ़िया तरीके से उसके साथ मैच हो जाएगा और आपके घर के इंटीरियर के साथ बेढंगा भी नहीं लगेगा। आखिर इंडियन क्रिकेट टीम बड़े मैच में फटे जूते क्यों पहनते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हरा सूरज दिखता है, और ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पसीने से अधिकतर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और ऐसा कौन सा देश है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल नहीं होता है? इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।